हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, मेरा नाम है मांचू, आप देख रहे हो पावर हाउस इफेक्ट। लेट्स टॉक सिनेमा। साहो का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, मैं 5 बजे से वेट कर रहा था, लेकिन पहले आया तमिल में, फिर तेलुगू में, पहले तमिल में आया, फिर मलयालम में आया, फिर तेलुगु में आया, लेकिन हिंदी आ ही नहीं रहा था। आई थिंक 6:30 बजे के आसपास हिंदी में आया, तो अभी बज रही है 8:30, 2 घंटे हो गए, क्योंकि मैं बाकी वीडियोस एडिट कर रहा था, जो कुछ आ गए हैं कुछ और आने वाले हैं उसको एडिट कर रहा था। तो 8:30 बजे कर देते हैं साहो का ट्रेलर रिएक्शन हिंदी वाला। अब मैंने क्लैश ऑफ द ईयर करके एक वीडियो बनाया था जिसमें इसकी बात करी थी, वो बात कुछ प्रूव हुई है यहाँ पे, वो मैं आपको बताऊँगा ट्रेलर देखने के बाद। सबसे पहले देखते हैं हम लोग ट्रेलर एंड फिर डिस्कस करते हैं मूवी के बारे में। पिछले हफ्ते मुंबई में 2000 करोड़ की चोरी हुई है। सूत्रों के अनुसार पुलिस के पास अभी तक कोई लीड्स नहीं है। We should be ashamed of ourselves. Wow. अब से ये केस एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर हैंडल करेगा। कौन सर? वो किसी भी फील गुड फिल्म से पहले आने वाले स्मोकिंग एड की तरह सर। कंटेंट सही होता है लेकिन विजुअल्स बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं। अमृता नायर, क्राइम ब्रांच। इसका अगला प्लान क्या होगा? तुमने वाजी सिटी के बारे में तो सुना ही होगा, जहां क्राइम और गैंगस्टर्स का राज चलता है। वहां एक इंपॉर्टेंट लॉकर है, इसकी सिर्फ एक चाबी है, द ब्लैक बॉक्स। वो अगर हमें मिल जाए तो अभी अफ्रीकन बिलियनेयर। Valens, Valens ज़्यादा हो गया। You know something like romance? हाँ, romance हो में। Baby, won't you tell me? Oh, tell me, oh, tell me. Baby, won't you tell me so? Baby, won't you tell me? Oh, tell me. हमारा रिश्ता दिन और रात जैसा है। दोनों एक दूसरे के मोहताज हैं और एक साथ रह भी नहीं सकते। इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक सिक्सर। गली क्रिकेट में तो सब तेंदुलकर है, असली टैलेंट वो होता है जो भरे मैदान के बाहर सिक्सर मार सके। कोई फायदा नहीं क्योंकि सब यहां है। आई एम एक्समैन सुपर। तो सबसे पहले मैं जो बताने वाला था वो बताता हूँ आपको। पहले वो ये था कि क्लैश ऑफ द ईयर करके मैंने वीडियो बनाया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि 15 अगस्त को 4 चीज़ें क्लैश हो रही है, मिशन मंगल, बाटला हाउस, साहो और सीक्रेट गेम्स। वो वीडियो देख लेना, डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ मैंने वहाँ ये कहा था कि टी सीरीज बाटला हाउस में भी इन्वॉल्व है एंड साहो में भी इन्वॉल्व है, तो बाटला हाउस हो सकता है शिफ्ट हो जाए, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, यहाँ हुआ है साहो शिफ्ट। आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि साहो बहुत बड़ी बजट की मूवी है। मिशन मंगल और साहो दोनों क्लैश करने में दोनों की बिजनेस बहुत अफेक्ट होंगी। वहीं बाटला हाउस एक लो बजट मूवी है, उसे हिट टैग के लिए भी ज़्यादा कमाने नहीं है। सो बहुत अच्छा काम किया कि साहो को 30 अगस्त पे शिफ्ट किया, 15 से 30 अगस्त ऑब्वियसली मिशन मंगल डोमिनेट करेगी, एंड अगर बाटला हाउस भी कॉन्टेंट वाइज स्ट्रॉन्ग हुई तो वो भी डोमिनेट कर सकती है। साहो ऑन द अदर हैंड, अब ट्रेलर की बात करूं तो एक्शन सीन्स तो लाजवाब है यार, मतलब गजब है। एक दो जगह मुझे वीएफएक्स थोड़ा सा डाउन लगा है,
बट वो हेलीकॉप्टर के ऊपर से उड़ के निकल गए वहां। मैं बस लॉजिक को ऐसा भूल जाओ, कोई मतलब नहीं, एंटरटेनमेंट दे रही मूवी वो मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, साहो के टीजर में मुझे ऐसा लगा था कि जो प्रभास है वो चोर का कैरेक्टर निभा रहा है, लेकिन यहाँ पर उल्टा दिख रहा है, यहाँ पे इंस्पेक्टर का रोल है। अब वो ट्विस्ट होता है बाद में कि क्या होता है वो तो मूवी देखने में पता चलेगा। श्रद्धा कपूर अच्छी दिख रही है, बाकी जैकी श्रॉफ, चंकी पांडे, नील नितिन मुकेश और मंदिरा बेदी, अब किसी को भूल रहा हूँ तो सॉरी, बट गजब की स्टार कास्ट है, सुजीत। ये मूवी सिर्फ और सिर्फ एक्शन सीन्स की वजह से चलने वाली है। आई एम आईइंग 300 क्रोज, लेकिन अब देखो क्या होता है। वैसे आपको इंटरेस्टिंग बात पता है, 30th ऑफ अगस्त को पहले श्रद्धा कपूर की छिछोरे रिलीज होने वाली थी, लेकिन वो एक हफ्ता शिफ्ट होके 6 सितंबर को हो रही है। तो अब श्रद्धा कपूर 30th ऑफ अगस्त को भी हैं एंड 6th ऑफ सितंबर को भी हैं। छिछोरे तो अच्छी मूवी है, बट बताओ साहो के सामने टिक पाएगी क्या? बॉक्स ऑफिस हमेशा से अनप्रडिक्टेबल रहा है इंडिया में, और कुछ लास्ट ईयर्स को देखो तो आप बिल्कुल बता नहीं सकते कि ये वाली मूवी हिट होगी या फ्लॉप होगी। बस इतना ही कहना था मुझे इस वीडियो में। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस ट्रेलर रिएक्शन को शेयर करो, एंड नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरे व्यूज़ जो हैं वो सही हैं या नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ, अपना ख्याल रखो, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखो, जानवरों का ख्याल रखो, एनवायरमेंट का ख्याल रखो। जय हिंद, जय सिनेमा।